ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की याद में बने यह खूबसूरत इमारत विक्टोरिया मेमोरियल है। यह भव्य और विशालकाय इमारत विक्टोरिया मेमोरियल है, जिसका निर्माण राजस्थान के सफेद मकराना मार्बल से कराया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल भारत में ब्रिटिश राज को याद दिलाने वाला एक सभ्यंत या कहे तो भव्य इमारतों में से एक है। भारत में इस तरह की एक और खूबसूरत इमारत है जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। इसमें भारत में शासन करने वाली ब्रिटिश राजशाही की अवधि के अवशेषों का एक बृहद संग्रहालय है। विक्टोरिया मेमोरियल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसे सिर्फ और सिर्फ भारतीय मजदूरों ने ही बनाया था, और इसमें जिन सामग्रियों को यूज किया गया है वो पूर्णतः भारत में ही बने हैं। चौंसठ एकड़ में फैले इस विक्टोरिया मेमोरियल की ऊंचाई 200 मीटर है तो लंबाई 338 फीट है। प्रिंस ऑफ वेल्स यानी किंग जॉन प्रथम ने 4 जनवरी 1906 को विक्टोरिया मेमोरियल की आधारशिला रखी थी, जिसे 1921 में औपचारिक रूप से आम लोगों के लिए खोला गया था। आपको बता दें कि महारानी विक्टोरिया कभी भी भारत नहीं आई थी। पूरे देश भर से टूरिस्ट यहां आते हैं और इस खूबसूरत इमारत के सामने अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल के सामने फूलों का बहुत ही सुंदर यह गार्डन बना हुआ है, जहां मन करता है कि ठहर ही जाओ। अब हम अंदर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इन कंक्रीट के रास्तों पर चलते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मानो वक्त इन्हीं कंक्रीट के रास्तों से चलकर यहां पहुंचा हो। ये विक्टोरिया मेमोरियल का मुख्य एंट्रेंस गेट है। यहां से सुरक्षा जांच के बाद आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल की खूबसूरती जब आप इस महल के सामने खड़े होंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे, या कहें तो इसके चारों तरफ एक खूबसूरत गार्डन का निर्माण कराया गया है। उनके कुछ संदेश पत्र के रूप में ही भारत आया था, जो यहां की दीवारों पर ये लगी हुई है। महल के बीचों बीच मुगल कालीन गुंबजों की तरह एक गुंबज का निर्माण करवाया गया है, वहीं महल के चारों तरफ 4 गुंबज बने हुए हैं। अंदर रॉयल गैलरी में कई तरह के तेल चित्र का भंडार आपको मिलेगा। जिसमें
विश्व की दूसरी सबसे बड़ी वॉल पेंटिंग आप यहां देख सकते हैं। इसे मुगल काल में जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान किसी ब्रिटिश पेंटर ने बनाया था। इसके अलावा विक्टोरिया मेमोरियल में अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान लड़े गए भारतीय सैनिकों के कई हथियार आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं प्लासी के युद्ध में उपयोग किए गए इस तोप को भी आप यहां देख सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल की गैलरी को दो भागों में बांटा गया है। एक तरफ क्वींस गैलरी है, जिसे सफेद मकराना मार्बल से बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के ब्राउन मार्बल का प्रयोग किया गया है। इसे हम प्रिंस गैलरी के नाम से जानते हैं। वहीं महल के पीछे के दरवाजे से अगर आप झांकेंगे तो प्रिंस जॉर्ज प्रथम की मूर्ति इस घोड़े पे सवार आपको दिखाई देगा। विक्टोरिया मेमोरियल में आप जितनी भी देर रहेंगे इनकी दीवारों और इनकी खूबसूरती को आप निहारते रह जाएंगे। कोलकाता में इसे अभी के समय में पेयर्स पार्क के रूप में भी जाना जाता है, जहां दिन भर जोड़ियों का जमवाड़ा लगा रहता है। विक्टोरिया मेमोरियल में आने के लिए आपको 30 रुपये का टिकट है। बच्चे या बड़े हर किसी के लिए यहाँ 30 रुपये की टिकट लेनी होती है, फिर आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में भारत सरकार के द्वारा फ्री टूरिस्ट गाइड की भी व्यवस्था की गई है। आप यहाँ आने पर इसका भी आनंद ले सकते हैं, है ना? ये भारत के खूबसूरत महलों में से एक, तभी तो इसे विक्टोरिया मेमोरियल के रूप में जाना जाता है। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप चाहे तो YouTube पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।